अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मोस्टली कग्नोसी का जो फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस होता है उसमें अल्कलॉइड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और तकरीबन 30% जो है वो पेपर्स इसमें से आता है अल्कलॉइड्स का। मैं पेपर सेटर भी हूँ, पेपर बनाती भी हूँ, पेपर चेक भी करती हूँ और यही मेरा सब्जेक्ट है जो मैं करवाती हूँ। तो अल्कलॉइड्स पे हम बात करते हैं कि अल्कलॉइड्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए। तो अल्कलॉइड जो है ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अल्कली लाइक होते हैं, और जब ये अल्कली लाइक हैं तो इनके अंदर नाइट्रोजीनियस जो है वो नाइट्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद होता है। यानी कि इसकी इस तरह से डेफिनेशन है कि ये एक तो ये अल्कली लाइक हैं, दूसरी ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड हैं, तीसरे ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, इनकी मार्क्ड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। मार्क्ड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि इनके कोई ना कोई ये जो है वो इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट सिस्टम पे इनके इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो बेसिक इसकी डेफिनेशन ये हो गई कि दीज आर अल्कली लाइक कंपाउंड्स विच हैव अ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स अ प्लांट आर एनिमल उचन एंड दे हैव मार्क्ड फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑन मैन आर एनिमल। ठीक है, अब जो इनके अंदर नाइट्रोजन होता है वो डिफरेंट तरह इनमें प्रेजेंट होता है और बेसिकली जो है ये अमाइनो एसिड से ड्राइव होते हैं। अब आगे बात आती है कि अल्कलॉइड जो है वो किस किस प्लांट फैमिली में प्रेजेंट हैं। तो अल्कलॉइड जो है वो जिम्नोस्पर्मिंग और एंजियोस्पर्मिंग में प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्मिंग में तो ये बहुत कम प्रेजेंट हैं, लेकिन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं जिनके अब एंजियोस्पर्मिक आप सबको पता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कौन से होते हैं। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। दुनिया में मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्मिक हैं, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। जैसे आप एप्पल देखते हो, मैंगो देखते हो, लातदाद एग्जाम्पल्स जो हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की हैं। उसके बाद जिम्नोस्पर्मिक हैं, तो इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी कि जो सीड्स होते हैं वो उनके फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज नहीं होते। जिसमें फर्न्स की एग्जांपल है, दियोदार की एग्जांपल है, बनाना की एग्जांपल है, तो ये जिम्नोस्पर्मिक है। अब बात आती है अल्कलॉइड्स की कि अल्कलॉइड्स कंटेनिंग कौन कौन सी फैमिलीज हैं। तो जिम्नोस्पर्मिक में बहुत कम फैमिली है, जिसमें टैक्सेसी एक फैमिली है जहाँ पर अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। दूसरा एंजियोस्पर्मिक में फैमिलीज हैं जिसमें लिग्निनोसी है, पेपावेसाई है, रैनियनकुलेसी है, रूबिएसियाई है, सलोनीएसीआई, बर्बेरीडीएसीआई और इसके अलावा लेबिएटी और रोजेसी, इसमें भी जो है वो है।